बड़ी बड़ी खबर। रूसी मीडिया का दावा है कि अब रूस के खिलाफ अमेरिका खुलकर जंग करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल होने से नेटो और अमेरिका बेहद नाराज है और इसीलिए अब नेटो के कम से कम 8 देश रूस से सीधी जंग कर सकते हैं। और 500 दिन की जंग के बाद यूक्रेन बुरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। अब हालात ये हो गए हैं कि खुद नेटो रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेटो ने हजारों सैनिकों को यूक्रेन भेजना शुरू भी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के एक नेता ने यह दावा किया कि पुतिन की फौज नेटो के सभी 31 देशों से एक साथ युद्ध करने को पूरी तरह से तैयार है। सौ दिन बाद नेटो से सीधी जंग। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने 24 फरवरी 2022 से लेकर 7 जुलाई 2023 तक रूस के 232,810 सैनिकों को मार डाला है। उस यूक्रेन को बचाने के लिए अब नेटो को रूस से सीधी जंग करनी पड़ रही है। आखिर नेटो देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो ने युद्ध के लिए कमांड सेंटर क्यों बना डाला है? फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नेटो। रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर रोगो के उस दावे में कितना दम है कि रूस नेटो के 31 देशों से एक साथ मुकाबला कर सकता है? क्या वाकई में पुतिन ने रूस के 7 लाख सैनिकों को नेटो के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया है? इकतीस देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। सत्रह महीने की भीषण जंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुरी तरह से बौखला गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब खुलकर नेटो पर आरोप लगा रहे हैं कि नेटो बेहद कम और घटिया हथियार यूक्रेन को दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के खिलाफ काउंटर अटैक तेज नहीं कर पा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि 4 जून 2023 से शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक की रूस ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जो यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना का शिकार करने के लिए निकले थे, वही यूक्रेनी सैनिक अब रूसी सेना के हाथों बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। हारते और हांफते यूक्रेन की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। घबराए बौखलाए जेलेंस्की अब दावा करने लगे हैं कि अगर यूक्रेन हारा तो ये नेटो के 31 देशों की हार होगी। यही वजह है कि अब नेटो की फौजें तेजी से रूस के खिलाफ युद्ध करने जा रही हैं। नेटो के पास रूस के मुकाबले 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और हवाई ताकत भी रूस से 10 गुना से ज्यादा है। नेटो के इसी खतरे को देखते हुए अब एक रूसी नेता व्लादिमीर रोगो ने चौंकाने वाला दावा किया है। व्लादिमीर रोगो ने नेटो से युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। व्लादिमीर रोगो ने कहा है कि ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन में नेटो सेना की संभावित तैनाती की तैयारी कर रहा है। रूस के खिलाफ नेटो के हजारों सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। व्लादिमीर रोगो ने ये भी कहा है कि रूस नेटो के हर कदम पर बारीकी से नजर रख रहा है। रोगो का कहना है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो रहा है, इसीलिए अब नेटो यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करेगा। व्लादिमीर रोगो का यहाँ तक दावा है कि अगले हफ्ते नेटो देश लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो की खुफिया मीटिंग होने जा रही है। रोगो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नेटो की एक सैन्य टुकड़ी यूक्रेन में तैनात होने जा रही है। व्लादिमीर रोगो का यहाँ तक दावा है कि नेटो यूक्रेन की ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी खतरे को बहाना बनाकर रूस पर हमला करने जा रहा है।
बात की है कि यूक्रेन को अब तक नेटो 20 लाख करोड़ के हथियार दे चुका है, 400 से ज्यादा टैंक दे चुका है, हिमार्स और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास मौजूद है, दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन के पास पहुंच चुकी हैं। उसके बावजूद अब रूस के खिलाफ नेटो को युद्ध में क्यों कूदना पड़ रहा है, इसके पीछे की कई वजह डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इन वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी सेना नेटो के हथियारों को बर्बाद कर रही है, जरूरत से ज्यादा गोला बारूद रूसी सैनिकों पर काफी दूर से दाग रही है, जिसकी वजह से रूस को नुकसान बहुत कम हो रहा है। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से मिला तोपखाना और टैंक भी यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हावी हो रही है और इस जंग का सीधा दबाव अब नेटो की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। हारते यूक्रेनी सैनिकों की वजह से ही नेटो को 1 जुलाई को चेतावनी देनी पड़ी है कि यूक्रेन को तभी घातक हथियार और F-16 जैसे फाइटर जेट मिलेंगे जब रूस के खिलाफ यूक्रेन अपने काउंटर अटैक से ताकत दिखाएगा। लेकिन इधर ज़ेलेंस्की रट लगाए हुए हैं, जब तक यूक्रेन को घातक हथियार और हर हफ्ते 1 लाख तोप के गोले नहीं मिलते हैं, तब तक यूक्रेन काउंटर अटैक तेज नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की की यही जिद अब नेटो के लिए नासूर बनती जा रही है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए नेटो को ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। पांच सौ दिन बाद नेटो से सीधी जंग। Яке формулювання потрібне для запрошення? Просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, орденом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів Альянсу. Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість всього Альянсу. अमेरिका ब्रिटेन का पुतिन को चैलेंज। इधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड जैसे नेटो देश भी यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक को लेकर बेहद नाराज होने लगे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अपने युद्ध में नेटो को जानबूझकर इतना ज्यादा फंसा रहा है ताकि नेटो को रूस के खिलाफ सीधा युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़े। यही वजह है कि अब नेटो अपनी सेना से रूस पर सीधा हमला करने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है और युद्ध से यूक्रेन को साइड में करके खुद रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। इसीलिए अब 11 और 12 जुलाई को नेटो देश विल्निअस लिथुआनिया की राजधानी में सभी 31 नेटो देश एकजुट होकर रूस पर हमले की तैयारी करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि रूस के मुकाबले नेटो के पास बेतहाशा सैन्य ताकत है, लेकिन उसके बावजूद रूस नेटो से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरा देखिए दोनों की सैन्य ताकत कितनी है। पांच सौ दिन बाद नेटो से सीधी जंग। नेटो के पास 20,723 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। यानी रूस के सामने नेटो देश बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। नेटो के पास 54,05,700 सैनिक हैं, जबकि रूस की सेना के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। नेटो के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 33,66,000 है, जबकि रूस के पास एक्टिव सोल्जर की तादाद 8,50,000 है। नेटो देशों के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 7,38,700 है, जबकि रूस के पास पैरामिलिट्री यूनिट्स की संख्या 2,50,000 है। और कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की इसीलिए नेटो देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि नेटो की ताकत को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। 31 देशों को मारेंगे 7 लाख सैनिक। हैरानी की बात तो यह है कि रूस रत्ती भर भी नेटो की परवाह नहीं कर रहा है। वॉर जोन से आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के रूस ने 7 लाख सैनिकों को सिर्फ नेटो की सेना पर हमला करने के लिए तैयार रखा हुआ है। हम आपको ये भी बता दें कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स पहले ही कह चुके हैं कि हम नेटो को युद्ध में एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, वरना जंग बहुत विनाशकारी होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ने यूरोप और अमेरिका पर परमाणु मिसाइलों और बमों की बरसात कर दी
तो फिर नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देश मिलकर भी रूस को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ नाटो के सभी देशों को मिला लें तो इनके पास 5,943 परमाणु हथियार हैं, जबकि रूस के पास अकेले ही 5,977 परमाणु बम, जिनमें से 800 परमाणु बम रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों में लगा रखे हैं। ऐसे में अगर रूस पर 81 देशों ने मिलकर हमला किया तो ये तय है कि रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक परमाणु बमों की बरसात कर देगा, जिसमें अमेरिका के साथ साथ नाटो देशों का वजूद तक खत्म हो सकता है। यही वजह है कि नाटो खौफ में है और रूस यूक्रेन को रौंद रहा है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर रूस ने भारी तबाही मचाई है। लीव, मरिंका, सोमे, कीव और बखमूत में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ कर रख दी है। Украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из нескольких составляющих. Первая из них предназначена для прорыва обороны, вторая для того, чтобы использовать войска для закрепления территории, движения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. फंस गया यूक्रेन, युद्ध करेगा नाटो। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन के पास भले ही बड़ी संख्या में घातक हथियार हों, लेकिन हवाई ताकत के मामले में यूक्रेनी सेना रूस के सामने कहीं नहीं टिकती है। नाटो बिल्कुल साफ कह चुका है कि यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के F-16 जैसे 200 लड़ाकू विमान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक चल रहा है। अब यूक्रेन नाटो से पूछ रहा है कि काउंटर अटैक तभी सफल होगा जब यूक्रेन की वायुसेना को हवाई ताकत मिलेगी। आप खुद देखिए यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर की कैसे बता रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक क्यों सफल नहीं हो पा रहा है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की का दावा है कि रूसी सेना नाटो और पश्चिमी देशों से मिले टैंक, रॉकेट, तोप और हथियारों पर सीधा हमला कर रही है। रूसी सेना चुन चुन कर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के हथियारों को दबा कर रही है। जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की का ये भी कहना है कि उन्हें रूसी सेना की बारूदी सुरंगों और भीषण हवाई हमले का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन का काउंटर अटैक धीमा है। जनरल सेरेस्की का दावा है कि रूस इसीलिए नाटो के हथियारों को टारगेट कर रहा है ताकि नाटो देशों के हौसले को पस्त किया जा सके। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस सबसे ज्यादा नाटो के हथियारों पर हमला कर रहा है ताकि यूक्रेन की सैन्य ताकत को कमजोर किया जा सके। रूस दावा कर चुका है कि उसने नाटो और पश्चिमी देशों से मिले यूक्रेन के 256 टैंकों को तबाह कर डाला है, जिसमें 13 टैंक जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है। अब ऐसे हालात में नाटो के पास दो ही विकल्प है, या तो यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दें और रूस के हाथों हारने दें, या फिर यूक्रेन को पीछे करके यूक्रेन की जमीन से सीधा हमला रूस पर करें। अगर नाटो ऐसा करता है तो फिर यूक्रेन और नाटो देशों को रूस के साथ जंग करना अब बहुत भारी पड़ जाएगा। जो नाटो देश अभी तक यूक्रेन को घातक हथियार देने में जुटे थे, अब वही नाटो देश घबराए हुए हैं कि अब पुतिन मॉस्को और मिन्स्क से इतने जबरदस्त हमले करने जा रहे हैं जो यूक्रेन के साथ साथ नाटो देशों को भी तबाह कर डालेगा। नाटो में खौफ का आलम यह है कि अब तक नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत असंभव है, यानी रूस को यूक्रेन कभी नहीं हरा पाएगा। We are, of course, closely monitoring the developments, and we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces and with more capabilities. To ensure credible deterrence and defense for the whole alliance.
कुल मिलाकर नेटो भी यूक्रेन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अब या तो यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो रूस से युद्ध करे या फिर यूक्रेन को मरने दे, लेकिन अगर ऐसा करता है तो फिर नेटो की धाक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी और पुतिन नेटो को पूरी तरह से दबा कर डालेंगे। अब देखना होगा कि 11 और 12 जुलाई को नेटो देश लिथुआनिया में रूस पर हमला करने के लिए क्या फैसला होता है।